अच्छा तो यू मेंशन ना कि देयर आर सर्टेन स्कूल्स दैट आर परमिसिबल एंड सर्टेन दैट आर नॉट परमिसिबल. एवरीथिंग इज परमिसिबल. अब आप कहें मैं पहले मैच पूरा करूंगा, नमाज बाद में पढ़ूंगा, इट विल बिकम अ सिन. पेरेंट्स की बात सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रिकेट से. इस्लाम की निगाह में, इस्लाम की नजर में बॉक्सिंग हराम है. क्रिकेट इज अ परमिसिबल गेम, यू कैन प्ले, नो प्रॉब्लम. अच्छा तो यू मेंशन ना कि देयर आर सर्टेन स्पोर्ट्स दैट आर परमिसिबल एंड सर्टेन दैट आर नॉट परमिसिबल. तो कैन यू पुट अ बिट ऑफ लाइट ऑन दैट कि व्हिच वंस आर परमिसिबल एंड व्हिच वरंट, व्हिच आर नॉट. देखिए इस्लाम का प्रिंसिपल ये है कि एवरीथिंग इन मामलात इन अदर देन द एक्ट्स ऑफ वर्शिप, एवरीथिंग इज परमिसिबल अनटिल अनलेस इस्लाम उसके बारे में कोई बात कहता हो. फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट इज अ परमिसिबल गेम, यू कैन प्ले, नो प्रॉब्लम. लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम हो रहा होगा और अजान हो गई मगरिब की, अब आप कहें मैं पहले मैच पूरा करूंगा, नमाज बाद में पढ़ूंगा, इट विल बिकम अ सिन. आपकी वालदा आपको आवाज़ दे रही है, बेटा मुझे आपसे ज़रूरी काम है, आप घर आ जाएं. और आप कहें नहीं अम्मी जी मैं तो क्रिकेट खेल रही हूँ. अब क्रिकेट परमिसिबल नहीं रहेगा, अब क्रिकेट इस वक्त आपके लिए परमिसिबल हो जाएगा. क्योंकि माँ की बात सुनना, पेरेंट्स की बात सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रिकेट से. आप कहें कौन सी गेम इम्परमिसिबल है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग. बॉक्सिंग जी, बॉक्सिंग क्यों? क्योंकि जब आप बॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो द होल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉक्सर इज टू इंजर और हर्ट और हिट द ओपोनेंट. और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता. इस्लाम की जब हम टीचिंग्स को देखते हैं ना, डूज एंड डोंट्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इन सारी जितनी डूज एंड डोंट्स हैं ना, इनको उलमा ने इस तरह जमा किया, कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया जो है ना वो पाँच हैं इनकी रोशनी में. और उनमें से एक है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. जो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया है, मकासद शरिया जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं, ये इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स है द परफेक्ट ब्रेक, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ना, उसका मकसद ये है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जिससे इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा हो या इंसान की ज़िंदगी मुतासर हो सकती हो, वो इम्परमिसिबल. अल्लाह ना करे बॉक्सर ने सामने वाले को मारा, उसकी नाक टूट गई, उसका सर फट गया. लेकिन इसलिए इस्लाम की निगाह में, इस्लाम की नज़र में बॉक्सिंग हराम है. क्यों? क्योंकि इसका मकसद खाली स्पोर्ट्स नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है. इसका मकसद जो है, हम कहते तो एंटरटेनमेंट, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इस तरीके से की जाती है कि जहाँ आपका लाइफ का रिस्क आ जाता है.